देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। देश में अब कुल 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से हैं। स्पुतनिक और अब मुंबई की औषधि कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना के टीके के आयात के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक ने मंजूरी दे दी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला कोरोना का चौथा टीका होगा। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 101 नए मामले सामने आए, जबकि 4 और लोगों की वायरस संक्रमण से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दर सोमवार को 0.10 से आंशिक रूप से बढ़कर 0.15 हो गई। कुल मामलों की बात करें तो राजधानी में अब तक कोरोना के 14,34,094 नए मामले रिपोर्ट हुए। निजी अस्पताल अब सीधे वैक्सीन उत्पादकों से डोज नहीं खरीद पाएंगे। 1 जुलाई से उन्हें कोविन पर ऑर्डर देना होगा। केंद्र ने ऐसा फॉर्मूला भी निकाला है जिससे किसी अस्पताल को महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक रखना है ये भी तय हो जाएगा। मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार को एक SOP डॉक्यूमेंट पहुंचा। इसके अनुसार पिछले महीने किसी खास हफ्ते में रोज जितनी औसत खपत हुई उससे अधिकतम दोगुनी डोज मिलेगी। देश में कम हो रहे कोरोना वायरस मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि अपने यहाँ पॉजिटिव कोरोना केसों को लेकर सजग रहें और इस पर नजर बनाएं। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण तथा उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्री रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। फंगस के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अब कोरोना मरीजों में साइटोमेगालो वायरस मिलने का खुलासा किया। अब तक देश के पहले 5 मरीज यहां पहुंच चुके हैं। कोरोना का इलाज लेने के बाद इन मरीजों को पेट में दर्द और मल में खून बहने की परेशानी को लेकर भर्ती किया गया। इनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है।